पैंथर का आतंक देखने को मिला। घटना अचरोल इलाके की है, जहां सुबह अंधेरे में पैंथर में एक ढाणी में सो रहे लोगों को शिकार बनाने के मकसद से हमला किया और उठाकर ले जाने का प्रयास भी किया। पैंथर के हमले से कई लोग घायल हो गए। लोगों के शोर मचाने और इकट्ठा होने से हालांकि पैंथर मौके से भाग गया। कुछ देर बाद पैंथर के अचरोल इलाके की एक अन्य ढाणी में घुसा और लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर पैंथर भागकर निजी यूनिवर्सिटी के निर्माणाधीन भवन में घुस गया। पैंथर के हमले के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को पकड़ने के प्रयास किए। काफी देर तक पैंथर ने जयपुर से रेस्क्यू के लिए पहुंची वन विभाग की टीम को थकाया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिर वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैंक्विलाइज किया और पिंजरे में कैद कर लिया। साढ़े तीन बजे के आसपास मिली तीनों की ढाणी में पैंथर एक घर में घुस गया। वहाँ कितने लोगों कुछ घायल करा? वहाँ बताया कि हस्बैंड वाइफ दोनों और एक उनका बच्चा, उसको कोई इसके द्वारा घायल किया गया और ये वहाँ से आकर के दूसरी ढाणी में घुस गया। अब मौके पहुँच गए, उसके बाद अपेक्स जो यूनिवर्सिटी है एनजीओ पेट्रोल वहाँ आ गया और वहाँ भी किसी एक आदमी को घायल किया और यूनिवर्सिटी अपेक्स जो अंडर कंडक्शन थी उस अंडर कंडक्शन यूनिवर्सिटी में हमने हमारी टीम ने, रेस्क्यू टीम ने और पूरे स्टाफ ने और ग्रामीणों के सहयोग के द्वारा हमने उसको रेस्क्यू किया और सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है और जल्द